आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक प्रेस मीट रखे थे। वो प्रेस मीट हमारे जिला अध्यक्ष शिवराज रद्देवाड़ी के नेतृत्व में, हमारे राज्य के उपाध्यक्ष मालिका गुत्तेदार जी, हमारे सीनियर एक्स शासक सुभाष गुत्तेदार जी, हमारे सिटिंग एमएलए साहब बसराज मत्तेमुड, अविनाश यादव, हमारे शासक सुशील जी नमोशी, शोभा अक्का, हमारे सभी लीडर्स लोग आज हम लोग ये प्रेस मीट कर रहे हैं। ये प्रेस मीट करने का कारण क्या है बोले तो, परसों जो सैंड माफिया में एक कांस्टेबल का मौत हो गया, उसके वजह से हम लोग, हमारे को सभी लोग आके जब हम लोग इंक्वायरी करें, जब सब तरफ चर्चा हो गया, हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर जो साइबरना करजगी है उसको फेक शूट आउट करे है, उसके लिए हम लोग आज एक प्रेस मीट करे जो है वो 100% एक फेक शूट आउट है। साइबरना करजगी वो जो ट्रैक्टर चला रहा था वो उसका भाई है, उसका भाई जो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में जो कांस्टेबल मर गया सो है, उसका इंक्वायरी होने दो, उसका जो भी सच है वो निकलने दो, हमारे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वी आर विथ इट एंड वी आर फॉर इट। बट दो दिन के बाद साइबरना करजगी को वो उसके खेत के सीड्स, शुगर केन सीड्स खरीदी करने के लिए उनने जो एड्रामी गए थे वहाँ से दो व्हीकल में पुलिस DSP PSI सभी लोग उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके उसको लेकर आते हैं जेवरगी के बॉर्डर गांव में, किधर तो खेत में लेकर जाते हैं, उसको नीचे उतारते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं उसको, उसके हाथ ऐसे पकड़ते हैं, लुंगी उठा के एक फायरिंग एयर में करते हैं, एक फायरिंग उसके पैर में करते हैं। तो ये कहाँ का नया है? तो इसीलिए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लीडर से हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि अब हम बोलेंगे आप CBI को दो तो वो बोलेंगे CBI आपके सेंट्रल में है, आपको स्टेट में दो बोले तो हम बोलेंगे COD आपका हाथ में है। तो इसलिए वी रिक्वेस्ट फॉर अ जुडिशियल इंक्वायरी बाई सम जजेस और रिटायर्ड जजेस, क्या फैक्ट है, क्योंकि साइबरना करजगी एक भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र का प्रधान कार्यदर्शी है बोल के उसको टारगेट करके फेक शूटआउट कर रहे हैं, तो हम निंदा करने चाहते हैं। तो कांग्रेस क्या दिखाना चाह रहा है, तो हम सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, ये जो डराने का काम करे हो पकड़ के, जो शूटआउट करके जो डराने चाह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, हम इलेक्शन हारे होंगे बट हम ख़त्म नहीं हुए बोलने चाहता हूँ, अभी भी लोग हमारे साथ है, हम एक स्ट्रांग अपोजिशन है। आपका ये जो मनमनी है, ये जो पूरे आप पुलिस का आपके हाथ में लेके, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेके डरा के, ये जो हमारे कार्यकर्ता को डराना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हर एक कार्यकर्ता को बोलना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, आप लोग डरिए मत, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो दो, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर आपके साथ ठहरेंगे, मैं क्लियर बोलना चाहता हूं। और ये जो फेक शूटआउट करे इसके ऊपर इंक्वायरी होना बोल के मेरे और हमारा पार्टी का स्टैंड है। राउडी शीटर वो जो है वो तो पुराना है, उसमें भी आलोक कुमार साहब भी इन्वॉल्व है, उनको भी मालूम है, क्योंकि इट वॉज अ फेक केस बनाए थे उसके ऊपर, वो बहुत छोटा पेटी केस था, बट वहाँ के कोई एक्स पुलिस डिपार्टमेंट वाले ने पर्सनल लेके उनके ऊपर राउडी शीटर डाले, बाद में आलोक कुमार साहब के पास सब लोग जाके बोलने के बाद वो केस अलग था, दे विड्रॉ द केस, वो राउडी शीटर बच गया उनका, बट वो केस जो था वो दूसरा था, उनको निकाल दिए। तो मेरे को उसको ज़्यादा लेना देना मेरे को नहीं है। ये जब पुलिस बोलते हैं उसके पास चाकू था, तो ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हंसी की बात है। जब तुम किसी आदमी को अरेस्ट करते हो तो उसके पास आप तुम वैसे पकड़ते हो, वैसे लेकर आता हो, अब चेक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बोले तो लुंगी में कहाँ छुपाया चाकू, ये तो पिक्चर में हुए जैसे हो गए बात है। देर इज 100% जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। चाकू नहीं बोले तो 8-8, 9-9, 10-10 पुलिस लोग है, 2-2 व्हीकल, 3-3 व्हीकल है, एक छोटा चाकू लेके क्या आपको स्क्रैच करेगा, क्या आपको गुदगुली करेगा वो लेके, तो आप चेक क्यों नहीं करें? वो जब क्लियर बोल रहा, मेरा लुंगी उठा के, मेरे हाथ पकड़ के, ब्लाइंड फोल्ड कर जब शूट करते हैं, जब इंक्वायरी होगा तो पता चलेगा कहाँ से शूट करे, कितना दूर भाग रहा था, गोली कैसे लगा, तो देर इज साइंस, देर इज फॉरेंसिक इन टू दैट, सो होन दो इंक्वायरी, उसके बाद देखेंगे किसका फॉल्ट है किसका फॉल्ट नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गा जिले में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कोई एक व्यक्ति अपना ट्रैक्टर में
सैंड भर लेके जा रहा है और कांस्टेबल उसको रोकने के लिए कोशिश करता है। कोशिश करने के बावजूद भी वो ट्रैक्टर रोकता नहीं, वो ऐसे ही ज़ोर से है ना तेज से चला के गाड़ी आगे लेके जाता है। उसको उस तेज़ी से चलाने वाले आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे ये कांस्टेबल अपना टू व्हीलर लेके जाता है और इस बीच वो स्पीड बहुत ही ज़्यादा होने के वजह से वो ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो हुक रहता है जिसका जो मतलब जो हुक जो मतलब वो हुक से ही वो ट्रैक्टर है ना वो ट्रॉली को खींच लेके जाता है, वो उस इसमें वो टूट जाता है। वो टूट जाते ही ट्रैक्टर आगे जाता और ये ट्रेलर नीचे गिर जाता है। ट्रेलर का एक तरफ का मुंह जो लेवल में रहना चाहिए वो गिरने के बाद वो उसकी बॉडी पूरा पीछे का बॉडी ऊपर उठ जाता है। पीछे है ना कांस्टेबल जो था जो स्पीड पे टू व्हीलर पे आ रहा था वो सीधा जाके है ना वो ट्रॉली के नीचे गिर जाता है और इस बीच उसकी मौत होती है। ये क्लियर कट एक्सीडेंट है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसका भाई जो है वो एक हमारा कार्यकर्ता है और हमारा पार्टी का शक्ति केंद्र का महाशक्ति केंद्र का अध्यक्ष है, उसको लेके जाके पकड़ के उसको अपना खेती बाड़ी के सिलसिले में वो बीज लाने के लिए आलमेल जाके आते रहता है। उसको पकड़ के लेके आके उसको आँखों पे पट्टी बांधते हैं। अरे भाई पट्टी क्यों बांध रहे, बोले तो हाँ ऐसे ही पट्टी बांधते हैं, बोल के बांध के उसको है ना पैर को है ना शूट करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्या करना चाहते हैं आप? अरे जो उसका भाई जो है जो ट्रैक्टर चला रहा था, आपको जो भी है ना तकरार है जो भी करना है उसको लेके आप करो, लेकिन उसका भाई को ये इसका कोई संबंध ही नहीं है साहबाना को। उसको जाके उसके ऊपर तुम आरोप करके है ना बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा करता है ये बोलते हुए कहाँ का इंसाफ है। और इस वजह से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, जो उसके फैक्ट्स हैं वो बाहर आएंगे, सभी लोगों को मालूम पड़ेगा इसका इरादा क्या है, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रहा है। और ये एक्सीडेंट होने के बावजूद सबको मालूम है ये एक्सीडेंट है और वो बेचारे वो कांस्टेबल का फैमिली चाहता है अरे भाई ये एक्सीडेंट है उसका जो भी उसका कंपेंसेशन या जो भी उसको मिलता है एक्सीडेंट रिलीफ जो मिलता है वो अमाउंट तो मुझे मिलेगा बोल के वो बोल रहा है। उनके फैमिली वाले बोल रहे हैं ये एक्सीडेंट है ना फिर भी है ना ये मर्डर है बोल के वो लिखा देते हैं। इसका कोई संबंध नहीं है, ट्रैक्टर आगे चलेगा ट्रेलर के पीछे ये मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो ट्रैक्टर है ना वो आदमी को लेके जाके अगर एक्सीडेंट करके उसको ही अगर मारा होता वो मर गया होता तो शायद जो भी अभी वो कोशिश कर रहे हैं वो शायद प्रूव भी होता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट होते भी ऐसा ये कर रहे हैं।